हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्ना फूडी किचन। आज मैं आपको छोले भटूरे की रेसिपी बताऊंगी। मैंने यहाँ पे ये आधी किलो छोले लिए हैं जो मैंने रात भर भिगो के रखे थे। अब मैं इसे उबलने के लिए रख दूंगी। इसमें 2 सीटी आने के बाद आप सिम गैस कर दें और इसे 15-20 मिनट तक उबलने दें, जिससे ये चने अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। छोले मैंने उबलने रख दिए हैं, तब तक मैं भटूरे का आटा बना लेती हूँ। इसके लिए मैं एक बर्तन लेंगी, इसमें मैं 3 कप मैदा डालूंगी। ये कप है, इससे आप मेजरमेंट कर लें। ये 3-4 लोगों के लिए इतने आटा बहुत है। आप ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा कर लें उसकी क्वांटिटी। अब मैं इसमें 1 चम्मच सूजी मिलाऊंगी, 1 बड़ी चम्मच है ये। 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अब चुटकी भर खाने का सोडा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें एक बीच में होल करेंगे। एक चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक। और इसके बीच में हम डालेंगे ऑयल, ये 1 बड़ा चम्मच है। और इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका पानी मिला के धीरे धीरे एक डो बना लेंगे। मैं यहाँ पे पानी ले लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक डो बना लूंगी। थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करें, नहीं तो ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। सूजी डालने से भटूरे थोड़े क्रंची अच्छे बनते हैं। और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे, जैसे मार्केट में मिलते हैं। ये आटा बनके तैयार हो गया है, इसको अच्छे से मसल ले और फिर इसको एक सा करके आप इसे आधे घंटे के लिए ढक करके ऐसे ही छोड़ दें। ये हमारा भटूरे का आटा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। ये मैंने इसमें आपको बोला था कि बेकिंग सोडा डाला है मैंने, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है वो, और खाने का सोडा है वो। मैंने गलती से बेकिंग सोडा बोल दिया था, वो बेकिंग पाउडर है 1 चम्मच और थोड़ा सा खाने का सोडा। अब हम बनाते हैं छोले। छोले मैंने ये बॉईल कर लिए हैं, अब मैं इसको थोड़ा सा चम्मच से हल्के हल्के दबा दूंगी इन्हें।
थोड़ा सा मैश करूंगी मैं इन छोलों को। आप हल्का सा मैश कर लो तो ये इसकी ग्रेवी अच्छी हो जाती है और ये खड़े खड़े नहीं रहते और बहुत अच्छे लगते हैं। फिर ये कुछ मैं बनाते समय भी मैश कर लूंगी। और मैंने छोले बनाने के लिए लिए है, मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज जो है पीस लिए हैं, ये 2 बड़े टमाटर पीस लिए हैं, हींग ली है, 1 छोटा चम्मच जीरा, ये खड़े मसाले हैं तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और मैंने लिया है 2 चम्मच चना मसाला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं छोले। मैंने यहाँ पे एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, पहले हींग डालेंगे और ये सारे खड़े मसाले। ये हल्के से हो गए, अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी। अब हम प्याज को थोड़ा रेड होने तक इसको भूनेंगे। ये प्याज हल्का सा भुन गया है, अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे जिससे मसाला भी जल्दी हो जाएगा। नमक मैंने छोले में भी डाला था तो उतना देख के डालेंगे नमक। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जिससे ये मसाला हो जाए और तेल छोड़ दे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब मैं इसे हल्का सा और मैश कर लूंगी। ज्यादा मैश नहीं करने हैं, हल्के हल्के छोले थोड़े थोड़े मैश कर लेने हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख के उबाल आने तक इसे पकाएंगे, 10 मिनट पकाएंगे इसे, फिर चेक करेंगे। छोले रेडी हो गए हैं, अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा चना मसाला और डालूंगी। मिक्स करते हैं, छोले रेडी हो गए हैं। इसको बंद कर देती हूँ मैं गैस को। अब मैं भटूरे की तैयारी करती हूँ। भटूरा बनाने के लिए मैंने एक पेड़ा बना लिया है, एक छोटा सा।
अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल लगा के, मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया था, रोटी जैसी बना लूंगी। ज्यादा मोटा नहीं बनाए भटूरा। अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। तलने के लिए आप इसमें धीरे धीरे पीछे ऊपर ऑयल डालें। और ये भटूरा, ये देखिए फूल गया है भटूरा, ये देखिए इतना अच्छा भटूरा बना है। हमारे भटूरे रेडी हो गए हैं, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। छोले भटूरे रेडी हो गए हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। भटूरे की रेसिपी भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब मैं छोले के ऊपर थोड़ा सा ये बटर डाल दूंगी, देखिए आप मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।